पीछे खाइए अभी केक कटिंग में खाना होगा ना लगा था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मामी डॉट राहुल। तो आज है 28, 27 कल था माया का बर्थडे। हाँ बेटा हो रहा है और कल है 29 बाबू का बर्थडे है। रात में कटेगा केक ना? तो अभी बाबू है नहीं बाहर, अड्डा ये टाइम ना वो लोग बाहर चाय पीने जाते हैं, स्नैक्स वगैरह खाने जाते हैं। तो वैसे तो हम नॉर्मली घर पे बनाते हैं, तो आज बाहर गए हैं। वो लोग बोले कि आज सुबह से ना हम थोड़ा तो ही नहीं बैठे, तो बोले कि तुम थोड़ा सा तुम यहाँ पे बहुत लोग रोटी बनाना है, तो बोले जब तुम स्नैक्स बनाओगी तब रोटी बनाओगी टाइम नहीं हो पाएगा तो तुम बना लो ना, ठीक है। तो वो लोग बाहर ही करने गए हैं और अभी हम बना रहे हैं कटहल और आलू का सब्जी। उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा चल के ना एक मियो मोड है, मियो मोड में हम लोग केक लेने जाएंगे बाबू का। वैसे बाबू के लिए जो केक है वो हम ऑर्डर कर दिए, वो कल आएगा 6 बजे। और आज ना ऐसे एक नॉर्मल 12 बजे एक ऐसे नॉर्मल छोटा सा केक कट करेंगे, बाबू का बर्थडे है इसलिए स्पेशल। और उनके लिए कल खीर भी बनेगा, तो उसके लिए ना हमको थोड़ा सा वो खीर बनाने वाला चावल और बादाम वगैरह लाने जाना है थोड़ी देर बाद ही। अभी 8:30 बज रहा है, हमको 9:30 जल्दी जल्दी फिनिश करना है मेरा काम। तो सब्जी चढ़ाने का काम कर दिए, बाकी कर लें जल्दी जल्दी हो जाए फिर हम लोग। हम लोग चॉकलेट केक एक ले लिए, आप लोग एक चीज गौर कर तो जब भी आते चॉकलेट केक ही लेते हैं, वही थोड़ा ज्यादा टेस्टी और हम लोग सबको ही बेस्ट लगता है चॉकलेट केक। मतलब लगातार 2-3 दिन केक ही केक इतना खाए, अभी तो बस रात वाला केक है, फिर कल भी एक कप केक कट करवाएंगे, उसका ऑर्डर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज का केक भी बहुत सुंदर है, कल का केक भी बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। कल केक हम मेरा भाई से बनवा रहे हैं, हम कल केक खा के आपको उसका रिजल्ट बताएंगे। हम सेकेंड टाइम मेरा भाई से केक बनवा रहे हैं, हम उसका नंबर नीचे लिख देंगे। ये वाला ब्लॉग में नहीं, जब हम वो वाला मतलब कल वाला ब्लॉग में वो जब भी वो केक कट करके खाएंगे टेस्ट करेंगे तभी उसका नंबर हम नीचे दे देंगे। तो चलो अभी देखते हैं और क्या क्या लेते हैं। एक तो पार्टी पॉपर दिए गए, और ना हम यहाँ पे जब भी आते ना एक ना एक पेस्ट्री खाते हैं, पेस्ट्री बहुत पसंद है। छोटो छोटो कत बड़ो कत यहाँ पे केक हो गया रेडी, एक सेकेंड। और ये दोनों जो जॉली रेडी है ना, ये उनका दोस्त प्यार से और शिखर, हाँ हाँ दोनों। तो आप यहाँ पे सजा के रखे हैं, अभी थोड़ी देर बाद। टाइम कितना हुआ? 58 और 2 मिनट बाकी है, और हम मायरा को खिला रहे हैं। पहले पहले ये हल्दी सेरेमनी होने दो।
दूसरा शादी हो रहा है भाई, नीचे खाइए। अभी केक कटिंग में खाना होगा ना, मेहंदी से लगा था ऊपर देगा, इस चक्कर देगा, इस चक्कर वापसी लगाई नहीं लगाई। डॉक्टर मना कि मेरा स्किन जलता है, बहुत इचिंग होता है। डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है। अभी हो गया, चलो गया हो गया, चलो अब कटिंग होगा। इसी तरह कटेगा, अरे ऐसी काटी है, ऐसे काटी है ना, अरे यूनिक यूनिक तो पापा। अरे रे साफ हटा दो, अभी बहुत सोएगा कैसे सब। अरे ठीक पर रहे इसको, मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो, चींटी लगी है, सब चींटियां काटे भगो ले ब्रांड कर बिट्टू, हटा ये कर इसको, फोटो फोटो सुई दे, तो बहुत चल ना जाना। मैं फोन प्लस बिट्टू प्लस बिट्टू प्लस, अरे खा ले राहुल, अरे बहुत इजी हो रहा है, इनको दे दिया टाइम के लिए, पूरा लग गया दिल का चाकू, मजाक नहीं कर लग रहा है, चलाइए। अरे यार ये फोटो कैमरा बस और कैमरा चल गया कि ए हम दोनों का फोटो ले लो, तो मैं भी मॉम हो गया, मेरी मम्मी भी विश करने के साथ में। हेलो ए बाबू कैसे है? हां मैं अभी फोन पे बोल रही हूं, नहीं समझ रहे हो आप किसे बोल रहे हैं? हेलो देखो 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 बात कर, पहले फोन करती वाली ना हालत खराब कर दी। जल्दी करना यार, जल्दी। हाँ गाड़ी को शुरू कीजिए, अभी सामने बुक कीजिए, आ जाओ भाई जा। मेरा मेरे पास ले मारा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल जॉनी रेड्डी। आप सुबह नहाइए, छोड़ दीजिए, सुबह नहाने के लिए ठंडा लग जाएगा भैया, नहीं नहीं ठंडी लग जाएगा, ऐसी रह गया बोला कीजिए, बोला जाके नहाइए शैम्पू से, कब से खा ली जाएगा। तो मैं एकदम सो गया, आज मम्मी के साथ जाने के बाद था मंदिर, मैं आज गया भी नहीं, मम्मी 6 बजे उठ गई थी, हम लोग सोए 3 बजे, 3 बजे ना, अब मम्मी को बोले रुक जाओ 1 घंटा सोने, तो 8 बजे मेट्रो से चलेंगे, मम्मी ना वेट की सीधा सो जो गई, और आ भी गई जल्दी, आ गई 11:30 बजे ही आ गई, 10:30 से भी आ गई, सोच अगर 8 बजे से तो 11 बजे थी, नींद फ्रेश हो जाए। मेरा वोमिटिंग हुआ था कल ना, मायरा के बर्थडे के दिन भी हुआ, कल भी मेरा वोमिटिंग हुआ, और आप लोग सोच रहे हो बैक टू बैक बर्थडे का सेलिब्रेशन आ रहा है, तो यस 29 को मायरा का बर्थडे था, 29 को मेरा, फिर 4 मई को हम लोग एनिवर्सरी भी है, तो बैक टू बैक सेलिब्रेशन आप देखोगे, फिर करण भैया का शादी भी है मुंबई में, तो हम लोग वहाँ पर भी सेलिब्रेट करेंगे, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मायरा के बर्थडे में विश किया, मैं जस्ट अभी एकदम घर में गेस्ट आया हूँ, तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं सबको मायरा के बर्थडे का भी कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ,
और आज जो मेरे बर्थडे में विश कर रहे हो आप लोग उसका भी रिप्लाई कर रहा था। थैंक यू सो मच ममती मेरे दोस्त जो मुझे केक से इतना लथपथ किए खिलाने की वजह। और आप लोग प्लीज़ ये मत बोलना कि आप लोग वेस्ट किए हो भाई, साल में एक बार आता है 250 रुपये तो वेस्ट बनता है। हाँ बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे ना तो सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे विश किया, मायरा को विश किया और अच्छा विशेष दिया। और मम्मी पापा को भी थैंक यू जो बिहार से यहाँ पे आए। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि अपने मायरा के दादा दादी के बिना केक कट करना अच्छा नहीं है, तो आप लोग व्लॉग अच्छे से नहीं देखे, दादा दादी आए थे, आप लोग पूरा व्लॉग देखना मम्मी डॉट राहुल और राहुल डॉट मम्मी में आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग छोटा मोटा पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, तो आज थोड़ा सा क्लब का माहौल बनाया जाएगा। तो क्या हमको नहीं इसको नहीं ले जाएगा तुम? तुम तो जाएगा घर, इसको पार्टी में नहीं ले जाना है, बहुत बदमाशी करता है। तो आज शाम में प्यारा सा सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उसका भी व्लॉग आ जाएगा आपके पास। तो तब तक के लिए व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना। अभी से बहुत सारा फंक्शन है, मुंबई जाएंगे, मुंबई में क्या शॉपिंग की है मम्मी शादी के लिए वो सब दिखाने वाले हैं। तो गाइज लाइक करना, एटलीस्ट 30K तो लाइक बनता है, ताकि लाइक कमेंट शेयर करके और अच्छे विशेष दिखाओ, गाली देखिए बताओ अच्छे विशेष दिखाओ। और बाय मम्मी आज एकदम पूरा भड़की हुई लग रहा है, एकदम गुस्से में थी एकदम। हम तुम्हारे लिए आए थे मंदिर लेके जाएंगे, तुम सोया था। हेलो हम जैसे बोले विजयन हेलो जाओ विजयन के साथ जाना तुम। बोले हम जानते इस क्वालिटी बोले ना कि हम भी वहीं चलते हैं एक ही साथ सब चल लिया जाएगा, तो बोला ऐसा करो ना वहाँ काय के लिए यहीं सो, तो जब चलने से आधा घंटा पहले तुमको फोन करेंगे तुम्हारा बिना नहीं जाएंगे, फिर ठीक है यहीं सो जाते हैं। 11 बजे हमको शेखर बोलता है कि अंकल लोग मौसम से सुबह को मार देंगे तुम तो यार। फिनिशर मम्मी आई तो ना भी बोले कि जाओ भी जल्द, ये बोला कि हमको 5 घंटा सोने दो मम्मी, हम बोले कि हम सोएंगे ना तो लेट होगा, चलो वहीं चलते हैं बैठे रहेंगे और सुबह सुबह चल लेंगे। 4 बजे हम जग गए, गलती इसी का है, माने कम भगवान आते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर बाय।